हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th इंग्लिश मीडियम का फिजिक्स। आपने अभी तक हमारे वीडियो देखा तो लास्ट वीडियो में आपने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने जो पढ़ा फैराडे लॉ, अब हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं और आज पढ़ेंगे हम अल्टरनेटिंग करेंट AC। इससे पहले कि मैं अल्टरनेटिंग करंट के बारे में आपको पढ़ाऊं, सबसे पहले मैं बता दूं कि एक्चुअल में करंट को 2 पार्ट्स में किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। देखिए, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा है कि फैराडे ने कैसे मैग्नेट और कॉयल के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी कराया। व्हेन एवर रिलेटिव वेलोसिटी क्रिएटेड बिटवीन मैग्नेट एंड कॉयल, देन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विल बी प्रोड्यूस्ड। दैट मीन्स जब भी क्वाइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी होगा तो EMF डेवलप होता है, ये फैराडे ने बताया। एक्चुअल में फैराडे से पहले इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता था, ऐसा नहीं कि फैराडे ने इलेक्ट्रिसिटी को फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस किया। उससे पहले भी प्रोडक्शन होता था, लेकिन वो लेबोरेटरी में होता था, ओनली लैब में होता था, बहुत स्मॉल स्केल में उसका प्रोडक्शन होता था। बाद में जब फैराडे ने जो रूल दिया EMI का, उसके बाद इसका लार्ज स्केल में और बहुत कम कास्ट में इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। दैट मीन्स कमर्शियल स्टेज में पहुंच गया, लेबोरेटरी से हमारे घर तक पहुंच गया। उससे पहले सिर्फ हम लैब में सुनते थे कि इलेक्ट्रिसिटी जैसा कोई चीज़ होता है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी का लार्ज स्केल में प्रोडक्शन किया गया, करेंट डेवलप किया गया, करेंट फ्लो कराया गया, तो करेंट को 2 टाइप से हम क्लासीफाई करते हैं। करेंट के 2 पार्ट्स, एक होता है अल्टरनेटिंग करंट एंड सेकंड इज डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, हम शॉर्ट फॉर्म में अल्टरनेटिंग करंट को AC कहते हैं और डायरेक्ट करंट को शॉर्ट फॉर्म में अपन DC कहते हैं। अब एक जनरल इंट्रोडक्शन है दोनों में, एक में बेसिक डिफरेंस, क्योंकि हम अपने चैप्टर को एक्चुअली हमको पढ़ना अल्टरनेटिंग करंट है, लेकिन दोनों का कंपैरिजन मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ये पता चले कि दोनों करंट में बेसिक डिफरेंस क्या है। कई बार स्टूडेंट के दिमाग में कन्फ्यूज़न होता है कि हम अल्टरनेटिंग करंट पढ़ते रहते हैं लेकिन उसके बिहेवियर को, उसके करेक्टरिस्टिक्स को और DC करंट के साथ भी कोरिलेट कर देते हैं। तो उन दोनों करंट में एक शार्प डिफरेंस है जो आपको सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं, फिर अपने टॉपिक पर अपन आएंगे। करंट तो आप पहचानते हैं, नेचुरली आपको पता है कि हम अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए घर में जो हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया है, जिसमें हमारा TV, फ्रिज, कूलर, AC जो भी चल रहा है, वो सब क्या है, अल्टरनेटिंग करंट है। और डायरेक्ट करंट की क्या आइडेंटिटी आप कैसे पहचानेंगे, आपके मोबाइल में जो बैटरी लगा हुआ है, या आपके घर में और छोटे मोटे डिवाइस हैं, टॉयज़ वगैरह, बच्चों के खिलौने हैं, इनमें जो छोटे छोटे सेल लगे हुए हैं, आपके माउस में जो सेल लगा होगा, कीबोर्ड में जो सेल लगा होगा, ये सब सेल जो छोटे छोटे सेल हैं वो क्या है, डायरेक्ट करंट है, DC करंट के सोर्स हैं। इस तरह से दो तरह का करंट आप आइडेंटिटी, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। देखिए, अल्टरनेटिंग करंट का जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है वो है, इसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट, मतलब ये अल्टरनेट प्लस माइनस होते रहता है। ये फर्स्ट पॉजिटिव हाफ में पॉजिटिव होता है और सेकंड में क्या होता है, निगेटिव। इस तरह से ये प्लस माइनस के फॉर्म में ऑक्सीलेट करता है, ये अल्टरनेटिंग करंट है। लेकिन डायरेक्ट करंट के साथ में क्या होता है, डायरेक्ट करंट ओनली पॉजिटिव और ओनली निगेटिव होता है, ये सिर्फ पॉजिटिव है, ये डायरेक्ट करंट है। हम जब अल्टरनेटिंग करंट को किसी सर्किट में शो करते हैं तो इस तरह से, आपको पता है, ये इस तरह से हम ऐसा S लिख के रिप्रेजेंट करते हैं, जो ये एक ग्राफ के एक पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब डायरेक्ट करंट को किसी सर्किट में हम शो करते हैं तो एक छोटी लाइन और एक बड़ी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पर ये बड़ी लाइन पॉजिटिव और छोटी लाइन क्या होती है, निगेटिव होती है। ये इसको हमको पता है, ये एक बेसिक डिफरेंस है। इसके बाद अल्टरनेटिंग करंट का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी क्या है कि अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो ओनली वायर के सरफेस में फ्लो होता है। जैसे सपोज ये कोई केबल है, इतने थिकनेस का मैंने केबल लिया, तो अल्टरनेटिंग करंट इसका केवल सरफेस में फ्लो होगा, ऊपर नीचे अंदर में कोई करंट फ्लो नहीं होता।
लेकिन डायरेक्ट करंट का नेचर क्या है, सपोज ये कोई वायर है, केबल है, तो डायरेक्ट करंट क्या होता है, पूरे केबल के अंदर थ्रो होता है। सपोज ये मेरा मार्कर एक केबल है और इसमें मैं यदि अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कराऊं तो जो आउटर सरफेस देख रहे हैं उसमें बस अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगा, लेकिन डायरेक्ट करंट का बिहेवियर क्या है कि डायरेक्ट करंट क्या होता है, उसके अंदर से भी होके फ्लो होगा। इसीलिए जब हमको अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कराने के लिए वायर बनाना होता है तो उसको बंच, उसको गुच्छे में बनाते हैं। आपने देखा होगा कि मल्टी स्टेज वायर जब आप छील के देखेंगे घर में जो इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है तो उसके अंदर गुच्छा निकलता है तार का बहुत सारा। क्यों? क्योंकि ओनली सरफेस में फ्लो होता है तो ज़्यादा एरिया देने के लिए, ज़्यादा एरिया उसको कवर कराने के लिए उसको बंच में बनाते हैं। जबकि डायरेक्ट करंट को हमको जब सप्लाई करना होता है किसी सर्किट पर तो हम सिंगल केबल यूज़ करते हैं, सिंगल वायर यूज़ करते हैं, बंच में नहीं बनाते। और आपने देखा होगा कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, जैसे 220 वोल्ट पर डोमेस्टिक यूज़ होता है तो हम उसको टच करते हैं, छूते हैं तो शॉक लगता है, लेकिन डीसी करंट को टच करने से शॉक नहीं लगता। एक्चुअल में डीसी करंट से शॉक नहीं लगने का जो रीज़न है, हमको घर में यूज़ करते हैं वो 1.5 वोल्ट की बैटरी या 3 वोल्ट की या ज़्यादा से ज़्यादा 6 वोल्ट की बैटरी, तो पोटेंशियल उसका बहुत कम होने के कारण क्या होता है, वो शॉक नहीं लगता। लेकिन इक्वल वोल्टेज पर यदि दोनों में इक्वल वोल्टेज हो तो ये ज़्यादा डेंजरस होता है। मैं आगे आपको बता दूंगा कि क्यों होता है जब हम IRMS वैल्यू पढ़ेंगे। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बताया, इसको आइडेंटिफाई करना आपको बताया कि अल्टरनेटिंग करंट क्या है, डायरेक्ट करंट क्या है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस और है इसमें, अल्टरनेटिंग करंट क्या करता है, ओनली हीटिंग इफेक्ट शो करता है। 3 टाइप के इफेक्ट होते हैं जिसमें यह हीटिंग इफेक्ट या थर्मल इफेक्ट शो करता है, और डायरेक्ट करंट क्या करता है, हीटिंग इफेक्ट तो शो करता ही है, साथ में मैग्नेटिक इफेक्ट और उसके साथ में साथ केमिकल इफेक्ट भी शो करता है। केमिकल इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह हम जब करते हैं तो डायरेक्ट करंट यूज़ करते हैं, डीसी करंट यूज़ करते हैं। इसका कारण क्या है कि देखिए, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव फिर निगेटिव होता है। यदि हम इसे मैग्नेट बनाना चाहें, सपोज हम इसे बार मैग्नेट बनाना चाहें, सोलेनॉइड बनाना चाहें, तो क्या होगा, हम जिस एंड में वायर की बाइंडिंग करेंगे तो उसमें एक बार करंट क्लॉकवाइज फ्लो होगा, एक बार एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा। ऐसा होने से वो ना तो परमानेंट नॉर्थ पोल बन पाएगा ना तो साउथ पोल बन पाएगा। लेकिन यदि हम उसमें क्या करें, डीसी करंट फ्लो करें, तो एक एंड सपोज इस तरह से एक सोलेनॉइड बनाना चाहें और इसमें हम क्या करें, एक वायर की बाइंडिंग कर दें ऐसा, और इसमें हम क्या लगाएंगे, बैटरी, तो ये पॉजिटिव है तो ये हमेशा निगेटिव, मतलब ये नॉर्थ पोल सपोज ये साउथ पोल बन जाएगा। लेकिन इसके जगह में यदि हम अल्टरनेटिंग करंट लगा दें तो अल्टरनेटिंग करंट में क्या होगा, करंट का डायरेक्शन अल्टरनेट चेंज होते रहेगा, जिसके कारण क्या होगा, कोई भी एंड हमको प्रॉपर परमानेंट नॉर्थ साउथ नहीं मिलेगा, इसलिए वो मैग्नेटिक इफेक्ट शो नहीं करता। कुछ स्पेशल कंडीशन में हम उसको करा सकते हैं। और केमिकल इफेक्ट क्या होता है, देखिए केमिकल इफेक्ट में आपको पता है कि सपोज ये हम एक इलेक्ट्रोलाइट इसमें फिलअप कर दिए और एक को बना दिए कैथोड, एक को बना दिए एनोड। अब इसमें सपोज हम अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करा दिए, तो अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कराने से वो कुछ देर में एनोड कैथोड बन जाएगा, फिर कैथोड एनोड बन जाएगा, फिर एनोड कैथोड, अल्टरनेट चेंज होते रहेगा। तो इलेक्ट्रोलिसिस के बाद जो आयनाइजेशन आयन उसके मिलेंगे पॉजिटिव निगेटिव, वो सेपरेट नहीं हो पाएंगे, इसलिए ये केमिकल इफेक्ट भी शो नहीं करता। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस मैंने स्टार्टिंग में आपको इसलिए बताया क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि करंट का बेसिक नेचर किस तरह से होता है। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं जो हमारे चैप्टर का नाम ही है, अल्टरनेटिंग करंट, दैट मींस एसी। देखिए, मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि फैराडे ने करंट का प्रोडक्शन करने का सिस्टम बताया, लेकिन फैराडे के करंट का प्रोडक्शन एसी है कि डीसी, ये हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि आगे उसको एसी और डीसी हम लोग अपनी फैसिलिटी के हिसाब से बनाते हैं। जब हम डायनेमो बनाए, एसी डायनेमो, डीसी डायनेमो, आगे के टॉपिक में आप पढ़ेंगे, तब वहाँ पर उसको प्रोडक्शन के हिसाब से एसी डीसी अपन बना पाते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं प्रोडक्शन ऑफ एसी, प्रोडक्शन ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट। अल्टरनेटिंग करंट का हम प्रोडक्शन किस प्रकार से करते हैं, ये हम सबसे पहले देखते हैं। देखिए, तो अल्टरनेटिंग करंट का प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले हम इमेजिन कर लेते हैं कि सपोज हमारे पास इस तरह से कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यह है
मैग्नेटिक फील्ड। ये रेड इंक से मैंने जो एरो लगाया ये एक मैग्नेटिक फील्ड है जो इस तरह से है, ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने क्या किया, एक क्वायल कॉपर की बाइंडिंग की हुई एक क्वायल को इस तरह से रखा। ये सपोज एक क्वायल है, ये इसका एक्सिस है, ये हमने मैग्नेटिक फील्ड में क्वायल रखा हुआ है। इस क्वायल में इस तरह से हमने कॉपर की बाइंडिंग की हुई है, क्लियर। अब इस क्वायल को हम क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से हम क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, मतलब ये इस तरह से रोटेट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वो रोटेट हो रहा है। सपोज आफ्टर टी टाइम तक हमने क्या किया, इसको रोटेट किया। आफ्टर टी टाइम एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड क्वाइल इज सपोज थीटा। ये हमने सपोज कर लिया कि टी टाइम तक रोटेट कराए, जब इसको टी टाइम तक हमने रोटेट कराया इस फील्ड में, तो ये जो क्वाइल है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में थीटा एंगल बनाता है और टाइम टेकन टी है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। अब यहाँ पर हम इसके लिए एक फार्मूला डिराइव करते हैं। सिंस अपने को पता है ओमेगा इक्वल टू होता है थीटा अपॉन टी, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। ये हो गया। अब हम जानते हैं नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा कि जब क्वायल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है। तो फ्लक्स निकालने का फार्मूला होता है फाई इक्वल टू एन ए बी कॉस थीटा। ये मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने का फार्मूला होता है, जहाँ पर फाई नंबर ऑफ फ्लक्स है, एम नंबर ऑफ टर्न्स है। नंबर ऑफ टर्न्स मतलब इसमें जितने वायर जो इसमें लपेटे गए हैं उनके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं। ए क्या है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द क्वायल, दिस क्वायल मतलब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, और बी क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि हमने जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किया है उसका इंटेंसिटी कितना है। दैट इम्प्लाइज आगे इसको सॉल्व करें तो इसको हम फाई इक्वल एन ए बी कॉस, अब हम क्या करते हैं थीटा का जो वैल्यू है उसको यहाँ से ला के पुट अप कर देते हैं, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, तो हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी, अब हम क्या करते हैं दोनों साइड का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं। देयरफॉर वी गेट डी फाई बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एन ए बी इंटू कॉस ओमेगा टी। दैट इम्प्लाइज डिफ्रेंशिएशन ऑफ फाई विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या है, फराडे सेकंड लॉ है, आपने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी जब आप मेरा कोई नया वीडियो देखते हैं तो उसके प्रीवियस यदि वीडियोस हैं पार्ट वन पार्ट टू जो भी है उसको आप ज़रूर देखिए। यदि आप बीच से एंट्री करेंगे तो फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को आपको समझने में प्रॉब्लम आएगा, इसलिए आपको सिलेबस को आपको एक प्रॉपर ऑर्डर पर कंप्लीट करना है, क्लियर। जैसे आपने फर्स्ट नहीं, वैसे फिजिक्स का पूरा सिलेबस 12th क्लास का बिगिनिंग से, जहाँ से आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है वहाँ से कंटिन्यूस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि सब चैप्टर को रिलेटेड हैं, ठीक है। वन चैप्टर इज रिलेटेड विथ सेकंड, सेकंड रिलेटेड विथ थर्ड एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हमने यहाँ प्रीवियस चैप्टर पढ़ा डी फाई बाई डी टी, दैट मीन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसको हमने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ले लिया ई इक्वल टू एन ए बी, यहाँ पर क्या है कांस्टेंट है तो उसको हम बाहर कर लिए, एन इंटू ए इंटू बी, और यहाँ पर डी बाई डी टी ऑफ लिख दिया मैंने क्या, कॉस ओमेगा टी। ये हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज इक्वल टू एन ए बी। अब कॉस ओमेगा टी का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये सब डिफ्रेंशिएशन वगैरह आपको पता होना चाहिए, मेरे को मालूम है ये बात, मैं अपने लगभग सभी वीडियो में आपको याद दिलाता हूँ कि हमारे फिजिक्स क्लास में टू टाइप्स के स्टूडेंट होते हैं, मैथमेटिक्स स्ट्रीम एंड बायोलॉजी आल्सो। खासकर ऐसे बायोलॉजी के स्टूडेंट जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको न्यूमेरिकल्स वगैरह डेप्थ में करने का ज़रूरत है।
तो इस तरह से कहीं पर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, बाइनोमियल थ्योरम, वेक्टर अलजेब्रा, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट या मैथमेटिक्स के और जितने भी टूल्स, जितने भी हमको उसका कॉन्सेप्ट का ज़रूरत पड़ता है वो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है और ये सब आपको 11th क्लास में प्रिपेयर हो जाना चाहिए। लेकिन बाय द वे हम किसी कारण से, अपनी लापरवाही से या और किसी भी रीज़न से हमने सपोज़ उसको अच्छे से नहीं किया, तो भी आपके पास टाइम और चांस है, आप उसको अच्छे से करिए। और इसका रिसोर्स मैं आपको बता रहा हूँ, आप में से बहुत लोग को पता भी होगा कि मेरे चैनल में आप जाके प्लेलिस्ट में देखिए तो मैंने 5 वीडियोस बनाया है किसके लिए, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स, फिजिक्स को समझने के लिए कितने मैथ्स का ज़रूरत होता है ये सब मैंने एक एक वॉल्यूम में बनाया है, वो आप ज़रूर देखिए। आप उसको बीच बीच में देखते रहिए, खासकर बायोलॉजी के स्पेशली नीट अपेरेंस स्टूडेंट्स को मैं ये बात बोल रहा हूँ, मैथमेटिक्स वालों को भी देखना चाहिए, लेकिन चूँकि 12th आते आते मैथमेटिक्स वाले डिफरेंशिएशन वगैरह तो करने लगते हैं तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन बायो वालों के मस्ट कंपलसरी है। क्लियर, ये मैं आपको बीच बीच में याद दिलाता हूँ और आप उसको जाके ज़रूर देखिए। तो कास ओमेगा टी का यदि हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन करें तो कास का डिफरेंशिएशन माइनस साइन हो जाता है, माइनस साइन और ये ओमेगा टी ही होगा, और ओमेगा टी का चैन रूल से अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो ओमेगा आता है, वो हम सामने लिख देंगे या अभी फिलहाल मैं इसको आपको समझाने के लिए अंदर ही लिख देता हूँ, माइनस ओमेगा इंटू साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगा कास का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी का अगेन डिफरेंशिएशन होगा तो टी का वन, तो ओमेगा हो जाएगा सामने। क्लियर, दैट इम्प्लाइज इसको आगे हम सॉल्व करें तो ई इक्वल टू माइनस एन ए बी ओमेगा इंटू हो जाएगा ये साइन ओमेगा टी, ये हमको रिलेशन यहाँ पर मिलेगा। आगे हम इसको इजी फॉर्म में लिखने के लिए ई इक्वल यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में ये पूरे वैल्यू को, सपोज इस पूरे वैल्यू को हम ई नॉट सपोज कर लें, हम मैंने रेड इंक से जो राउंड कर दिया उसको सपोज हम ई नॉट सपोज कर लें तो हमारा न्यू रिलेशन क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगा। और ये जो होता है ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट का फार्मूला होता है, वेयर ई नॉट द वैल्यू ऑफ ई नॉट इज माइनस एन ए बी ओमेगा, यहाँ माइनस साइन शो करता है, जो लेंज लॉ में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, वो उस कास का अपोज करता है जिसके कारण वो प्रोड्यूस होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन आता है। अब हम इसको देखें तो, और इसको दूसरे फॉर्म में यदि हम पोटेंशियल के फॉर्म में लिखना चाहें तो पोटेंशियल के फॉर्म में इस फार्मूला को लिख सकते हैं वी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो पोटेंशियल के फॉर्म में ये इसके बेसिक फार्मूला हैं अल्टरनेटिंग करेंट के। देखिए ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत नॉलेजेबल, बहुत मज़ेदार चैप्टर है, लेकिन उसमें एक शर्त है कि आज के क्लास में जो मैं आपको पढ़ाऊँगा वो आपको प्रॉपर प्रिपेयर होना चाहिए, ये बेसिक चीज़ है, ये चीज़ आप भूलेंगे तो आप आगे आपको चैप्टर में मज़ा नहीं आएगा। और इसी को हम यदि रजिस्टर करंट के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड में रेजिस्टेंस डिवाइड कर देते हैं, वी अपान आर इक्वल टू वी नॉट अपान आर साइन ओमेगा टी, दैट इम्प्लाइज आपको पता है कि वी अपान आर ओम्स लॉ से क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, तो हो जाएगा आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये होता है इसके करंट के लिए फार्मूला। क्लियर, तो ये मैंने 3 फार्मूला यहाँ पर बताया, फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, फॉर पोटेंशियल एंड फॉर करंट, सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है ये फार्मूला, और ये फार्मूला आपको चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। यहाँ पर मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे दूँ कि कौन कौन सा वैल्यू यहाँ पर क्या कहलाता है, तो ये जो आई नॉट है ये यदि आपको 11th क्लास के कंटेंट्स याद होगा तो मैं यहाँ पर बता दूँ आपको वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी आप वहाँ पर पढ़े थे, कहाँ, ऑक्सीलेशन में, तो ऑक्सीलेशन के चैप्टर में आपको पता होगा या डिस्प्लेसमेंट है, ए क्या है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मीन्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और ओमेगा टी क्या होता है फेज, तो इससे हम इसका कंपेयर करें क्योंकि अल्टरनेटिंग करेंट का जो बिहेवियर है वो कम्प्लीटली, अल्टरनेटिंग करेंट का जो बिहेवियर है कम्प्लीटली ऑक्सीलेशन को मैच करता है। यदि आपने 11th क्लास का ऑक्सीलेशन अच्छे से पढ़ा है तो आपको
बहुत हेल्प मिलेगा उससे, क्लियर। अब हम यहाँ पर बता दें आपको कि आई नॉट जो हमने लिखा है वो कहलाता है पीक वैल्यू। पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू, तो पीक वैल्यू ऑफ द करेंट कहलाता है सबसे बड़ा मान। पीक वैल्यू ऑफ द करेंट आई नॉट इज पीक वैल्यू, क्लियर। एंड ओमेगा टी इज फेस, ये फेस कहलाता है करेंट का। फेस, व्हाट इज फेस, तो फेस का कॉन्सेप्ट क्या है, फेस इज द फैक्टर विच डिटरमाइन द डायरेक्शन एंड पोजिशन ऑफ द पार्टिकल, इन दिस केस करेंट। करेंट का जो पोजिशन है और जो डायरेक्शन है वो जो बताता है उसको हम क्या कहते हैं, फेस कहते हैं। तो आप ध्यान में रखना, आई नॉट इज पीक वैल्यू मीन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू, एंड ओमेगा टी इज कॉल्ड फेस विच डिटरमाइन द डायरेक्शन एंड द पोजिशन ऑफ द करेंट। तो ये एक इंट्रोडक्शन है कि प्रोडक्शन कैसे करते हैं हम, अल्टरनेटिंग करेंट का प्रोडक्शन कैसे करते हैं। अब इसके साथ हम इसके ग्राफ को पढ़ लेते हैं। देखिए ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको एक बात मैं आपको याद दिला दूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स क्या होते हैं, उनके सिलेबस में जो ग्राफ होता है उससे भागते हैं, वो करना नहीं चाहते, वो ग्राफ को इम्पॉर्टेंट नहीं समझते। ऐसा भूल आप कभी मत करना। ग्राफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। आप फिजिक्स का पेपर आईआईटी जेई का या नीट का पेपर आप निकाल के देखिए, आपको फिजिक्स में कम से कम 3-4 ग्राफ पर ही बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। यदि 5 क्वेश्चन भी ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन पूछता है तो बहुत होता है वो। इसलिए भी कभी भी आप ग्राफ को अवॉइड मत करिए। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं ग्राफ ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट। यह था प्रोडक्शन ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट, कि हम अल्टरनेटिंग करेंट का प्रोडक्शन कैसे करते हैं। देखिए 11th क्लास में यदि आपने ऑक्सीलेशन पढ़ा है तो इसका जो ग्राफ है वो कंप्लीट ऑक्सीलेशन की तरह होता है। दैट मीन्स हम उस ग्राफ को क्या कहते हैं, साइन ग्राफ बोलते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर पढ़ते हैं ग्राफ ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट। इसका ग्राफ किस तरह से होता है, तो यहाँ पर जो हम फार्मूला भी पढ़े, क्या आई के लिए हमने जो फार्मूला यहाँ पर पढ़ा, आई इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमने फार्मूला पढ़ा इसका। अब देखिए यहाँ पर ये जो साइन के सामने जो लिखा है ओमेगा टी, वो फेस है। तो यहाँ पर डायरेक्शन और पोजीशन वही बताएगा, तो डायरेक्शन और पोजीशन के बेस पर हम उसको, क्योंकि ग्राफ का मतलब होता है डायरेक्शन बताने वाला, पोजीशन ग्राफ का मतलब ही है कि पोजीशन ऑफ द एनी पॉइंट ऑन स्पेस। तो यहाँ पर हम साइन के लिए ग्राफ ड्रा करें, तो देखिए एक चार्ट बनाते हैं यहाँ पर इस तरह से। मैं यहाँ पर 90 डिग्री का डिफरेंस ले रहा हूँ ताकि आपको ग्राफ आसानी से समझ में आए और उसके बीच के एंगल्स लेने का ज़रूरत नहीं होता है। ये ओमेगा थीटा, दैट मीन्स ओमेगा टी है, ओमेगा टी थीटा की इक्वल होता है, और ये है साइन ओमेगा टी। यहाँ पर हम ओमेगा टी का वैल्यू लिख रहे हैं, तो ओमेगा टी का वैल्यू हम ले लेते हैं, सपोज़ स्टार्ट करते हैं कहाँ से, जीरो से, जीरो डिग्री। इसके बाद सपोज़ हम ले लेते हैं डायरेक्ट 90 डिग्री, 90 डिग्री मीन्स पाई बाई टू रेडियन में। इसके बाद 180 डिग्री, दैट मीन्स पाई रेडियन। फिर सपोज़ 270 डिग्री, दैट मीन्स 3π/4 रेडियन, 3π/4 रेडियन, एंड लास्ट इज 360 डिग्री, दैट मीन्स 2π। यहाँ पर हम इस डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए साइन के वैल्यू देखते हैं। तो आपको मालूम होगा कि साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है, जीरो। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, वन होता है। साइन 180 का वैल्यू कितना होता है, जीरो। साइन 270 का वैल्यू -1, और साइन 360 का वैल्यू अगेन जीरो होता है। ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए। तो ये हम इस बेस पर अब साइन ओमेगा टी और ओमेगा टी के बीच में ग्राफ ड्रा करते हैं, तो हमको किस तरह से ग्राफ मिलेगा ये आप ध्यान दीजिए, क्लियर। देखिए हम यहाँ पर टू एक्सिस डिटरमाइन कर लेते हैं। ये सपोज एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस में हम ये अपर मैक्सिमम पॉइंट को +1 ले लेते हैं, नीचे -1 ले लेते हैं, और ये हो जाता है जीरो। इसी प्रकार से हम इसके एक्स एक्सिस को पार्ट पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये 0 डिग्री है, π/2 डिग्री है, ये पाई डिग्री है, ये सपोज 3π/4 डिग्री है, और ये सपोज क्या है, 2π डिग्री है। अब हम इसके वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर देखिए तो 0 डिग्री पर 0 वैल्यू, दैट मीन्स ये वाला पॉइंट मिलेगा, ये 0 पॉइंट है। फिर आप देखिए 90 डिग्री, दैट मीन्स π/2 पर 1,
ये पाई बाई टू है, ये वन है, तो इसका क्रॉस पॉइंट ये वाला पॉइंट मिलेगा। नेक्स्ट पाई जीरो, ये पाई है, पाई पर जीरो मतलब ये वाला पॉइंट मिलेगा। इसके बाद देखिए थ्री पाई बाई फोर पर क्या माइनस वन, ये थ्री पाई बाई फोर है और इसका माइनस वन वैल्यू यहाँ पर मिलेगा। इसके बाद टू पाई, टू पाई पर इसका वैल्यू कितना है जीरो, तो ये टू पाई पर वैल्यू इसका ये जीरो मिल जाएगा। अब ये सभी पॉइंट्स को हम मिला दें इस तरह से, ये ऐसा ये ग्राफ आपको मिलेगा। इसीलिए अल्टरनेटिंग करेंट का जो मैंने बिगनिंग में आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि अल्टरनेटिंग करेंट का जो बिहेवियर होता है पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, तो देखिए हाफ साइकिल में इसका जो हाफ साइकिल है जीरो टू पाई, इस ग्राफ को जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आपको, इस ग्राफ को समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको आगे बेसिक चीज़ों को समझने में बहुत प्रॉब्लम आएगा। तो देखिए मैं बताया ये हाफ साइकिल है, हाफ साइकिल में इसका जो बिहेवियर होता है, हाफ साइकिल में इसका बिहेवियर ये पॉजिटिव होता है और नेक्स्ट हाफ में इसका बिहेवियर जीरो हो जाता है और फाइनली यहाँ पर क्या हो जाता है जीरो हो जाता है। जितना पॉजिटिव होता है उतना ही निगेटिव होता है और फाइनली वन साइकिल कंप्लीट करने पर द एवरेज वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करेंट आफ्टर कंप्लीटिंग वन कंप्लीट साइकिल इज ऑलवेज जीरो। आगे मैं इसको और मैथमेटिकली आपको समझाऊंगा। कई बार एग्जाम बोर्ड, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुका है कि अल्टरनेटिंग करेंट का जो वैल्यू होता है एक कंप्लीट साइकिल पर जीरो होता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो पॉजिटिव हाफ हुआ, ये निगेटिव हाफ हुआ। अब देखिए क्या होता है कि ये जो इसका बिहेवियर है पॉजिटिव निगेटिव जीरो होने के बाद, इंडिया में इसकी जो फ्रीक्वेंसी है हमारे देश में, क्योंकि इंडिया इसलिए मैं बोला क्योंकि अलग अलग कंट्री में इसकी फ्रीक्वेंसी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के हिसाब से अलग अलग होता है। तो अल्टरनेटिंग करेंट का इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। देखना आप घर में जितने भी डिवाइस यूज़ करते हैं उसमें देखना लिखा रहता है फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, वो क्या है इंडियन अल्टरनेटिंग करेंट की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और हम वोल्टेज यूज़ करते हैं कितना, वोल्टेज यूज़ करते हैं इंडिया में 220। आपने कई डिवाइस में 230 भी पढ़ा होगा, ब्रिटेन वगैरह में 230 यूज़ करते हैं, कई डिवाइस में 110 डोमेस्टिक यूज़ ना, फॉर डोमेस्टिक यूज़, मैं घरेलू यूज़ की बात कर रहा हूँ, अमेरिका में 110 से भी इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ, देखिए अल्टरनेटिंग करेंट का बिहेवियर देखिए आप, यहाँ जीरो था, जीरो था, उसके बाद फिर यहाँ मैक्सिमम हुआ, फिर वो डिक्रीज होते फिर जीरो हुआ, फिर जीरो हुआ। दैट मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट के बाद वो दो बार जीरो होता है, स्टार्टिंग पॉइंट के बाद, ये तो यहाँ से बिगनिंग ही होता है, उसके बाद जब वो अपने साइकिल कंप्लीट करता है तो दो बार वो जीरो होता है। और इसकी फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझना कि अल्टरनेटिंग करेंट पर, देखो फ्रीक्वेंसी मतलब ऑक्सीलेशन इन वन कंप्लीट वन सेकंड, तो एक सेकंड में दो बार वो जीरो होता है, तो 50 उसकी फ्रीक्वेंसी है, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 100 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि एक ऑक्सीलेशन में दो बार जीरो हो रहा है, वन ऑक्सीलेशन में टू टाइम्स जीरो, देन 50 ऑक्सीलेशन 100 टाइम्स जीरो। तो अल्टरनेटिंग करेंट की खासियत क्या होती है कि वो जब एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन पूरा करता है तो वो क्या है टू टाइम्स जीरो होता है, और 50 साइकिल में मतलब वन सेकंड में 100 टाइम्स जीरो होता है। तो हम लोग जो इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह देखते हैं जो हमको कंटिन्यूस ग्लो होते हुए दिखता है, जैसे आपको कोई लगता है कि अल्टरनेटिंग करंट में हमने कोई बल्ब लगा के रखा है वो कंप्लीट कंटिन्यूस ग्लो हो रहा है, हमको लगता है लगातार वो जल रहा है, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में वन सेकंड में जो बल्ब होता है वो 100 टाइम्स बीच में बंद हो जाता है, वो डार्क हो जाता है, रूम डार्क हो जाता है 1 सेकंड में 100 टाइम्स। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हम उस डार्क पोजीशन को वॉच क्यों नहीं कर पाते, फिर वो बीच का अंधेरा हमको दिखता क्यों नहीं। तो उसका कारण क्या है कि हमारा जो ह्यूमन आई है, ह्यूमन आई में क्या होता है, जो इमेज होता है वह इमेज 1/16 सेकंड के बाद डिलीट हो जाता है। 1/16 सेकंड मतलब जब हमारी आँख में कोई इमेज बनता है, मैं किसी चीज़ को देखा तो उसके बाद जब मैं वहाँ से नज़र हटाता हूँ तो 1/16 सेकंड आफ्टर 1/16 सेकंड द इमेज विल बी कम्प्लीट डिलीट, वो हमेशा के लिए डिलीट हो जाता है। तो यहाँ पर होता क्या है, ये तो 100 टाइम्स हो रहा है, तो क्या होता है जैसे बल्ब ग्लो हुआ
हमारे ब्रेन में लाइट इंसिडेंट किया, हमने रोशनी को महसूस किया, इसके बाद 1/16 रहेगा, लेकिन 1/16 सेकंड के बीच में वो बंद होता है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है हमारे देखने से। इसी बेस पर कैमरे वगैरह जो बनाए जाते हैं, कैमरे का जो उसका फंक्शन होता है, उसे इमेज कैप्चर करने का, इसी बेस पर तो क्या होता है कि 100 times में एक बार फिर वो जल गया, तो आप बीच के उस लाइट को देख ही नहीं पाते, क्योंकि अभी पुराना वाला लाइट हमारे ब्रेन में बना हुआ है। इसलिए हमको क्या लगता है कि वो कंटिन्यूस ग्लो हो रहा है, या फैन घूम रहा है, या कोई भी डिवाइस यदि चल रहा है तो अल्टरनेटिंग करंट से चलने वाले डिवाइस हमको कंटिन्यूस चल रहे हैं लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसको बीच में करंट सप्लाई बंद हो जाता है, लेकिन वो काइनेटिक, जैसे एक फैन है या मोटर है, उसमें बीच बीच में करंट 100 times नहीं जा रहा है 1 second में, लेकिन वो काइनेटिक इनर्सिया के कारण वो रेस्ट में नहीं आ पाता, हमको लगता है कंटिन्यूस। तो ये इसके कुछ डेप्थ में बेसिक बिहेवियर है, बेसिक कॉन्सेप्ट है अल्टरनेटिंग करंट के, इसको आपको समझना जरूरी है। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम अल्टरनेटिंग करंट का प्रोडक्शन करते हैं और उसको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, वो है एवरेज वैल्यू और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये दोनों मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, इसका जितना बेसिक फंडामेंटल यूज होता है ऑसिलेशन से, जैसे ओमेगा इक्वल टू 2π/T होता है, ओमेगा इक्वल टू 2π ν, ये आपको 11th क्लास से पता है। अब हम पढ़ते हैं एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज वैल्यू क्या होता है? तो अभी मैंने आपको बताया द टोटल करंट ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द करंट इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज इट्स एवरेज वैल्यू। एक ऑसिलेशन को जब वो कंप्लीट करता है तो उसका करंट एवरेज करंट कहलाता है, एवरेज वैल्यू कहलाता है। तो I=I₀ sin ωt। मैं इसके 2 methods बता रहा हूँ आपको यहाँ पर। ये फर्स्ट मेथड, मैं 2 methods इसलिए बता रहा हूँ, कभी आपको एग्जाम में आए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप इस मेथड के कॉन्सेप्ट पर चल सकते हैं, लेकिन सपोज आपके एग्जाम में ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में या 3 marks, 4 marks का पूछे, तो ये जो मैं डिटेल मेथड बताऊंगा उसे करना है, उसके बेनिफिट भी बताऊंगा, क्या फ़ायदा दोनों समझने से। तो फर्स्ट मेथड में अपन लिखते हैं कि फॉर ए कंप्लीट है मतलब वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन के लिए क्या होता है, इसका जो वैल्यू होता है ओमेगा टी वो कितना हो जाता है 2π। हमको पता है कि जब वो अपना एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन कंप्लीट करता है तो 2π वैल्यू होता है। देयरफॉर इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट अप कर दें तो अब हम इसको लिख सकते हैं आई एवरेज। तो आई एवरेज इक्वल टू हो जाएगा I₀ sin 2π, ऐसा लिख सकते हैं। हमने ओमेगा टी का वैल्यू यहाँ पर पुट अप कर दिया, दैट इम्प्लाइज आई एवरेज इक्वल टू I₀ sin 2π का वैल्यू कितना होता है 0, और देयरफॉर ये आई एवरेज इक्वल टू हो जाएगा कंप्लीट 0। तो ये इस मेथड से आप इसको प्रूव कर सकते हैं, लेकिन इसका जो सेकंड मेथड मैं आपको डिटेल मेथड बता रहा हूँ, ये इसलिए भी बता रहा हूँ कि आपको यदि ज़्यादा मार्क्स का पूछा तो ऐसा बनाना चाहिए, और इसका एक और फायदा है वो मैं लास्ट में आपसे डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पर इसका फार्मूला होता है आई एवरेज का, आई इसको आप याद रखना, आई एवरेज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I₀ dt/t फ्रॉम 0 to t। ये आई एवरेज का फार्मूला इंटीग्रेशन के फॉर्म में, कैसे एवरेज हुआ ये I dt मतलब टोटल करंट का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल करंट अपॉन टोटल टाइम एवरेज हो जाएगा, और कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 0 से, और टाइम कहाँ तक लेंगे t तक। अब इसको हम इसके वैल्यू पुट अप करके इसको इंटीग्रेशन कर दें, दैट इम्प्लाइज आई एवरेज इक्वल टू ये हो जाएगा I₀ × t, और I का वैल्यू हम क्या पूछ सकते हैं I₀ sin ωt, ये अपने को पता है अपॉन t और dt। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए, मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूँ, इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन आपका अच्छा होना चाहिए, नहीं तो आप हमारे वीडियो कंसल्ट करिए इमीडिएट। t को मैं बाहर करता हूँ तो 1/t हो जाएगा, और अब इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to t। I₀ को भी बाहर कर दिए, I₀ और t कांस्टेंट है, बाहर हो गए, अंदर बच जाएगा sin ωt dt। दैट इम्प्लाइज आई एवरेज इक्वल टू I₀ upon t। अब जब इसका इंटीग्रेशन होगा तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कास। क्लियर?
तो हो जाएगा माइनस कास ओमेगा टी, और यहाँ पर ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएट होकर डिवाइड हो जाएगा तो अपान क्या हो जाएगा ओमेगा। ये फार्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा, ये सबकी प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है, आपको बार बार मैं रिमाइंड करा रहा हूँ। और ये लिमिट हो जाएगा जीरो टू टी, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, लिमिट पुट अप करेंगे, ये ओमेगा कांस्टेंट है, उसको हम इससे इंटीग्रेशन के साइन से बाहर इसे बाहर कर देते हैं। दैट इम्प्लाइज आई एवरेज इक्वल टू हो गया आई नॉट अपॉन टी, और ओमेगा बाहर तो हो गया ओमेगा, और माइनस को भी हमने बाहर कर दिया, ये अंदर बचेगा कास ओमेगा टी, कास ओमेगा टी फ्रॉम जीरो टू टी। अब लिमिट पुट करेंगे तो आई एवरेज इक्वल टू माइनस आई नॉट अपॉन टी ओमेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टी के जगह में ये जो टी है इस टी के जगह में हम एक बार अपर लिमिट को पुट अप करेंगे और एक बार लोअर लिमिट को। तो चलिए पुट करते हैं, क्या हो जाएगा, कास ओमेगा इंटू कैपिटल टी माइनस कास, यहाँ जीरो रखूँगा तो जीरो हो जाएगा। लिमिट पुट करने के बाद लिमिट को हम हटा देते हैं। दैट इम्प्लाइज आई एवरेज इक्वल टू माइनस आई नॉट अपॉन टी ओमेगा। अब यहाँ पर आप देखिए कास ओमेगा और टी इक्वल टू क्या होता है, टू पाई बाई ओमेगा, ये टू पाई बाई ओमेगा टी का वैल्यू होता है, ओमेगा इक्वल टू टू पाई बाई टी या टी इक्वल टू टू पाई बाई ओमेगा होता है, और माइनस कास जीरो का वैल्यू होता है वन। दैट इम्प्लाइज आई एवरेज इक्वल टू माइनस आई नॉट अपॉन टी ओमेगा, यह ओमेगा ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, और कास टू पाई का भी वैल्यू होता है वन माइनस वन। दैट इम्प्लाइज आई एवरेज इक्वल टू ये जीरो हो गया, जीरो मल्टीप्लाई होकर कंप्लीट क्या हो जाएगा जीरो। तो वैल्यू तो सेम आना है, मेथड चेंज होने से वैल्यू तो चेंज होगा नहीं। देखिए आई एवरेज हम यहाँ पर दो लाइन में निकाले थे, ये आई एवरेज। अब आप सोचोगे सर ये मेथड तो बहुत लेंदी है, इसको आपको बताने की जरूरत है नहीं, इसको प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं, लेकिन ज़रूरत है, मैं इसको क्यों बताया हूँ। देखिए सपोज आपको एग्जाम में वन थर्ड पीरियड पर, यहाँ पर तो हम जीरो टू टी निकाल दिए, मतलब एक कंप्लीट साइकिल के लिए, सपोज आपको एग्जाम में बोले कि हाफ साइकिल के लिए निकालो, वन थर्ड साइकिल के लिए निकालो, तो फिर आप इस मेथड में नहीं बना पाएंगे। तो जैसे वन थर्ड बोला तो जीरो टू टी बाई थ्री आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, हाफ साइकिल में बोला सपोज तो जीरो टू टी बाई टू इंटीग्रेट कर दीजिए। मतलब ये एक ब्रॉड सेंस वाला मेथड है, एक डिटेल कॉन्सेप्ट है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे हम किसी भी साइकिल के लिए, ये ओनली कंप्लीट साइकिल के लिए है, हाफ साइकिल के लिए दिक्कत होगा, लेकिन ये किसी भी साइकिल के लिए निकाल सकते हैं, इसलिए इस मेथड को लर्न करना जरूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, सपोज लॉन्ग आंसर टाइप में आपको क्वेश्चन पूछ दिया तो इतना लिखने से कोई भी आपको फुल मार्क्स नहीं देगा, इसलिए 4 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन में ऐसा आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्लियर। ये हो गया एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। नाउ नेक्स्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन, देखिए स्टार्टिंग में इसके जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसके बाद इस चैप्टर का बिहेवियर चेंज हो जाता है, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से फिर हम सेकंड पार्ट में इसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट मैथमेटिकल एक कैलकुलेशन है, वो है आर एम एस वैल्यू, दैट मीन्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आपका किसी भी बोर्ड के आप स्टूडेंट हैं 4 मार्क्स 5 मार्क्स का कवर करने वाला क्वेश्चन है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी, इसको शॉर्ट हमें बोल देते हैं अपन आई आर एम एस, ऐसा ही बोलते हैं, आर एम एस मतलब रूट मीन स्क्वायर, नाम से स्पष्ट है रूट मीन और उसका स्क्वायर। देखिए मैं उसको मैथमेटिकल टर्म्स में लिखता हूँ तो आई आर एम एस इक्वल टू हो जाएगा, ये हो गया रूट, नाम में सब छुपा हुआ है रूट। अब मीन, मीन मतलब एवरेज, अभी मैंने निकाला था, क्या निकाला था, जीरो टू टी आई डी टी अपॉन टी, ये मीन हुआ, रूट हुआ, मीन हुआ, अब उसका स्क्वायर किसका, करेंट का, सब कुछ करेंट हो रहा है, ये स्क्वायर हो गया, ऐसा आप उसको याद रख सकते हैं। जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, रूट मीन उसका स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है हमको, इसको मैथमेटिकल टर्म्स हैं, इसको सिंप्लीफाई करना है। अब आप ध्यान से समझिए कि मैं कैसे इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। दैट इम्प्लाइज स्क्वेयरिंग बोथ साइड, हम दोनों साइड की स्क्वेयरिंग करते हैं तो हो जाएगा आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल
रूट हट जाएगा और अपने को मिल जाएगा 0 to t आई स्क्वायर डी टी अपॉन टी। दैट इंप्लाइज अब आई स्क्वायर आर एम एस को आप लेफ्ट साइड में लिखे रहने दीजिए और इक्वल के नीचे इक्वल हम लिखते हैं। देखिए आप लिखने के तरीका को इम्प्रूव करिए। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है कि कहाँ दैट इंप्लाइज लगाना है, कहाँ इक्वल लगाना है, उनको पता ही रहता। दैट इंप्लाइज कहीं भी लगा दिए, कहीं भी था, तो कैसे उसको थोड़ा समझाया तो सुनिए। यदि मैं दोनों साइड को लिखते हुए जाऊँगा, बाएँ साइड में लेफ्ट हैंड साइड में आई स्क्वायर आर एम एस, आई स्क्वायर आर एम एस लिखूंगा तो मुझे दैट इंप्लाइज लगाना चाहिए। लेकिन सपोज़ मैं इसको बार बार, अब चूंकि मेरे को लेफ्ट साइड में कोई वर्क नहीं करना है तो बार बार लिखने से बचने के लिए मैंने क्या किया, इसको यहीं पर छोड़ दिया और ओनली राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूँ, तब काहे का साइन लगेगा, इक्वल का साइन लगेगा। ये आप ध्यान रखना, नहीं तो बहुत से स्टूडेंट्स को लिखने का तरीका मैंने देखा है काफ़ी प्रॉपर नहीं लिखते, कहीं भी दैट इंप्लाइज लगा देते हैं। लोअर क्लासेस में टीचर्स या तो अलर्ट नहीं करते या आप लोग खुद लापरवाही करते हो, कहीं भी कुछ भी लगा देते हैं, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हम इक्वल लगाए, अब 1/t को मैं बाहर कर दिया और ये हो गया 0 to t। अब i का वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ क्या, आई नाट साइन ओमेगा टी का होली स्क्वायर, दैट इंप्लाइज 1/t। अभी आई नाट स्क्वायर को मैं ये बाहर कर दिया क्योंकि इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t, ये हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट वर्क है, खासकर बायो के स्टूडेंट के लिए, तो थोड़ा ध्यान से समझना। दैट इक्वल यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ मैं, आई स्क्वायर आर एम एस दैट इक्वल आई नाट स्क्वायर अपॉन टी। अब 0 to t यहाँ एक फार्मूला आपको बता रहा हूँ, आप फार्मूला यहाँ लिख रहा हूँ, आप उसके बाद इरेज कर दूंगा, आपको नहीं पता है तो लिख लेना। साइन 2 थीटा का फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी, ये साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1/2। क्लियर, एक मिनट, इसको मैं कंप्लीट आपको डिटेल में बता दूं। देखिए एक मैं फार्मूला यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप सब के सब उसको बहुत जगह काम आएगा, इसलिए सब उसको आप नोट डाउन करके रखिए इमीडिएट। कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 cos² θ - 1। और यहाँ से यदि हम cos² θ निकालना चाहें तो इसको इधर ट्रांसफ़र करो तो 1 cos² θ / 2 होता है। ये फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा ये फार्मूला, वैसे मैंने अपने बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में सब पढ़ाया हुआ है। और इसका एक और फार्मूला होता है cos साइन के फॉर्म में, cos² θ = 1 - 2 sin² θ होता है। देयर फॉर इसको मैं इधर ले आऊँ तो 2 sin² θ = जाएगा 1 - cos² θ, और 2 को ट्रांसफ़र कर दूं तो ये cos² θ से बना हुआ दो फार्मूला है, इसको आप भूलना मत। cos² θ = 1 + cos² θ / 2 और इसी के बेस पर sin² θ = 1 - cos² θ / 2। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, तो मैं नीचे वाला फार्मूला यूज़ करने जा रहा हूँ, ये वाला फार्मूला। तो क्या लिखूँगा उसको मैं, 1 माइनस, तो क्या हो जाएगा 1 - cos² ω t, क्योंकि थीटा की जगह ओमेगा टी है और अपान क्या हो जाएगा 2 dt। क्लियर मैंने कौन सा फार्मूला यूज़ किया, तो 1 - cos 2 और थीटा का वैल्यू क्या है अपने पास, ओमेगा टी है और अपान 2। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। वैसे आपको जहाँ जहाँ पर भी हमारे कंटेंट्स का जरूरत है, वैसे तो मेरे आपको सजेशन है कि देखिए मैं इरेज करने के पहले थोड़ा टाइम देता हूँ बोर्ड को, तो आप स्क्रीनशॉट करके उसको रखिए, आपको नोट्स प्रिपेयर होते आएगा, या पैरेलल आप नोट्स तैयार करिए। नोट्स तैयार करना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि फाइनली आप नोट्स से ही पढ़ेंगे। और दूसरा एक आपके लिए तो बहुत फैसिलिटी है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए कि आप लोग देख भी रहे होंगे कि हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने PDF डाला हुआ है नोट्स का, तो वहाँ से आप नोट्स देख सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट देख, जिनको नहीं पता है उन लोग वीडियो देखते देखते ये बात आप समझ लीजिए कि हमने हर कंटेंट्स को अपने डिस्क्रिप्शन में आप PDF में जाके नोट्स कॉपी कर सकते हैं। क्लियर, चलिए तो आगे इसको ऊपर सॉल्व करते हैं। दैट इक्वल ये हो जाएगा आई नाट स्क्वायर अपॉन टी, ये 2 को बाहर कर दिया। अब हम इसका इंटीग्रेशन करें तो 1 का इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में टी होगा और माइनस हो जाएगा ये कॉस, इसका हम इंटीग्रेशन करें cos² ω t का, तो हो जाएगा sin² ω t और अपान में ये 2 ω डिवाइड हो जाएगा, ये 2 ω और ये हो जाएगा लिमिट 0 to t।
दैट इक्वल आई नॉट स्क्वायर अपॉन टू टी। अब हम लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो टी माइनस साइन टू ओमेगा कैपिटल टी अपॉन टू ओमेगा। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, लोअर लिमिट को मैं पुट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ भी रखूँगा तो जीरो, यहाँ भी रखूँगा तो जीरो, तो लिखने का माइनस जीरो लिखने का कोई मतलब नहीं होता। अब इसको हम सॉल्व करें, दैट इक्वल आई नॉट स्क्वायर अपॉन टू टी, ये हो जाएगा टी माइनस साइन टू ओमेगा। अभी मैंने बताया टी इक्वल टू क्या बताया, टू पाई बाई ओमेगा, ये वैल्यू पुटअप कर देते हैं, अपॉन टू ओमेगा। दैट इक्वल आई नॉट स्क्वायर अपॉन टू टी, ये हो जाएगा टी माइनस ये ओमेगा, ओमेगा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन फोर पाई अपॉन टू ओमेगा, और साइन फोर पाई का वैल्यू होता है जीरो। देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखना, साइन के सामने टू पाई, फोर पाई, सिक्स पाई, एट पाई, मतलब साइन के सामने यदि पाई का इवन मल्टीपल हो तो सभी वैल्यू क्या होते हैं, जीरो। ये सब मैंने अपने बेसिक मैथमेटिकल टूल से पढ़ाया है। आपको कैलकुलेशन में कहीं भी प्रॉब्लम आता है तो उसका एक ही उपाय है, मेरा बेसिक मैथमेटिकल टूल्स के वीडियो, आप उसको देखिए, सब ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, दैट इक्वल ये आई नॉट स्क्वायर अपॉन टू टी, ये हो जाएगा टी माइनस, ये जीरो होता है तो कंप्लीट क्या हो गया, ये जीरो हो गया। देयरफॉर अब देखिए आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन ये टी टी के साथ कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, टू बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे टी कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज अब दोनों का अब रूट ले लेते हैं, तो आई आर एम एस इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट अपॉन रूट टू, ये होता है करेंट का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आगे यदि हम थोड़ा सा सॉल्व करना चाहें इसको, तो आई आर एम एस इक्वल टू ये वन अपॉन रूट टू का वैल्यू 0.707 होता है, इसको आप लर्न कर लेना। वन अपॉन रूट टू मतलब वन अपॉन 1.414, और वन में 1.414 को डिवाइड करोगे तो इतना आता है, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये प्रूफ करने के लिए देता है तो स्टूडेंट घबरा जाते हैं ये क्या आ गया करके, वो लर्न किए रहते हैं ये, और एग्जाम में बोल दिया प्रूफ दैट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इज दिस, तो समझते हैं कोई नया रिलेशन, ऐसा नहीं है। वन अपॉन रूट टू का वैल्यू ये होता है। तो ये मैंने आपको बताया बहुत आसान तरीके से रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का मेरा जो वीडियो था उसमें मैंने आपको क्या बताया, अल्टरनेटिंग करेंट और डायरेक्ट करेंट का बेसिक फंडामेंटल बताया, अल्टरनेटिंग करेंट का पूरा ग्राफ और उसके मीन वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, यहाँ तक इसका मैथमेटिकल टॉपिक है। अब इस चैप्टर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है इसके सर्किट, सर्किट मतलब उसके एल सी और आर को बनाए गए जो सेवन सर्किट हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो हम एक एक पार्ट में आपको वो प्रोवाइड कराएंगे। आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए और उसके बाद हमारे नेक्स्ट वीडियो को कंसल्ट करिए। ओके, थैंक यू।